वेरी एक्साइटेड यार, कब आ रहे हो तुझसे मिलने? पागल है क्या तू? दिमाग खराब है तेरा, क्या हरकत कर रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? क्या ये सब कुछ? अरे मैडम, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी उसके बदले में तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। इस बैग में पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। सोच लो, एक रात मेरे लिए, 2 करोड़ रुपए तुम्हारे। ओ मिस्टर, पागल हो क्या? ये मेरी दोस्त है और इसका दिमाग खराब नहीं है कि तुम्हारे पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत करेगी? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सरेआम पार्क में आकर इसे किस करने की? रुको, अभी पुलिस को फोन करते, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। रुकिए मैडम, मैंने एक ऑफर दिया, अगर आपको पसंद है तो आप हाँ कर सकती हैं, अगर नहीं तो मना कर दो। और हाँ, वैसे भी मुझे ये बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इसको 2 करोड़ रुपए की ऑफर दी है। देख लो, 2 करोड़ कम नहीं होते। अगर पूरी जिंदगी इसका ब्याज खाओगे ना तो लाखों में ब्याज आएगा इसका। तू क्या पागलों की तरह उसकी बातें सुने जा रही है? उसे कुछ जवाब दे, फोन उठा और पुलिस को फोन कर अभी कभी। शायद मेरी बात सुन, सिर्फ एक रात की तो बात है, 2 करोड़ रुपए दे रहा वो मुझे। तू पागल हो गया क्या? इसकी बातों में आकर पैसों के लिए तू इसके साथ रात गुजारेगी? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? तो क्या प्रूफ है कि इसमें असली नोट है? इतने सारे पैसे और वो भी असली नोट। ठीक है, ये 2 करोड़ मेरे और मैं एक रात के लिए तुम्हारी। लेकिन एक बात बताओ, मेरे साथ रात बिता के तुम्हें मिलेगा क्या? तुम मुझे बहुत हॉट लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें 2 करोड़ की ऑफर दी। और हाँ, तुम्हारे साथ ना एक रात बिताने का मेरा शौक है, और अपने शौक के लिए मैं इतने पैसे तो खर्च कर ही सकता हूँ। मिर्ज़ा, तू चल यहाँ से और इसका बैग इसको वापस पकड़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए, चल। यार तू एक मिनट रुक तो सही, तुझे तो पता ही है मेरे पहले भी 3 एक्स रह चुके हैं और सबके साथ मेरा फिजिकल रिलेशनशिप तो था ही। शादी से पहले किसी और के साथ एक रात और बिता लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है? पूरे 2 करोड़ का सवाल है। तुझे ना अच्छे से पता है कि तेरी और मेरी शादी होने वाली है, और मुझसे पहले तो बल्कि तेरी शादी होने वाली है। तेरा तो ऑलमोस्ट डन है सब कुछ, और तूने मुझे खुद बताया था कि जिस लड़के का रिश्ता आया हुआ है तेरे लिए अच्छा खासा है, वो वेल सेटल्ड। तुझे क्या ही जरूरत पड़ने वाली है पैसों की? इसका बैग इसे वापस कर दे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसके पैसों की। हाँ, लेकिन वो पैसे मेरे पति के होंगे ना, और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे अपने पति से पैसे मांगने की जरूरत पड़े। ये 2 करोड़ रुपए मेरे होंगे, सिर्फ मेरे, मेरे पर्सनल यूज के लिए। मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो मिस्टर, आई एम रेडी, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हूँ, चलो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानती हो इसे? यही तो वो लड़का है जिसका रिश्ता आया हुआ मेरे लिए, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या नाटक था? एक सेकंड, इसका रिश्ता तो मेरे पास आया था, मेरे घर पे। What a coincidence, एक ही लड़के का रिश्ता 2 लड़कियों के घर पे। तुम वो सब छोड़, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, और ये सब क्या नाटक किया तुमने? मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला। मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और तुम दोनों की फोटो मुझे दिखाई गई, और मुझे ये भी पता चला कि तुम दोनों पक्की दोस्त हो। और हाँ, किसी ने ये भी बताया था कि तुम दोनों में से कोई एक लड़की जो कि पैसों की बहुत लालची है, बस इसलिए मैंने तुम दोनों का टेस्ट लेने की सोची। और देखो, तुम दोनों का टेस्ट क्या लिया, तुम दोनों में से ये भी पता चल गया कि पैसों की लालची कौन है, और वो तुम हो। तुमने तो हद ही कर दी, मैंने तुम्हारा टेस्ट क्या लिया उसमें तो तुम फेल ही हो गई हो। और हाँ, तुम पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती हो। अरे जब हम दोनों की शादी होगी, अगर तुम्हें कोई पैसे देगा तो तुम तो उसके साथ भी। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसे अपनी इज्जत से ज्यादा पैसों की भूख हो। हम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने किससे शादी करनी है और किससे नहीं। और हाँ, जब तुम्हारी दोस्त तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये गलत है, ये सही नहीं है, रुको हट जाओ, लेकिन नहीं, तुमने तो उसकी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे पता चल गया कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं, कौन पैसों की लालची है और कौन नहीं। सॉरी, मैंने ये तरीका अपनाया, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो लड़की कैसी है और कैसी नहीं। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूँगा और किससे नहीं।